आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। सफाई तो हर वर्ष होती है लेकिन पानी अभी तक नहीं आया साहब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्नाव जनपद के विकास खंड हिलोली में अधिकांश नहरों का निरीक्षण खंड विकास अधिकारी डॉक्टर सपना अवस्थी के द्वारा किया गया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों ने आशा भरी निगाहों से खंड विकास अधिकारी से पूछा कि क्या 40 वर्षों से जिस नहर में पानी नहीं आ रहा है पानी आएगा? क्या हम लोगों की खेती मर चुकी है, दोबारा जान आएगी? ऐसे तमाम सारे सवालों से खंड विकास अधिकारी अपने आप को घिरी हुई मिली। खंड विकास अधिकारी ने किसानों की समस्याओं को उच्च अधिकारियों के समक्ष पेश करने की बात कही। उन्होंने कहा, यह विकराल समस्या है जिस पर क्षेत्र के बड़े बड़े लीडरों ने विधानसभा में उठाने का काम किया है। इसके बावजूद अगर नहरों में पानी नहीं आया तो कहीं ना कहीं विभाग जिम्मेदार है। ऐसे में हम उप जिला अधिकारी और जिला अधिकारी से मिलकर इस बड़ी समस्या को अवगत कराएंगे और जल्द ही जल्द किसानों को नहर के टेल तक पानी मिलेगा। वहीं किसानों ने कहा कि प्रत्येक वर्ष नहर के रखरखाव के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और पानी के नाम पर अभिलेखों में ही पानी मिलता है। किसान के निजी ट्यूबवेल ना हो, विकास खंड के लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जिस नहर में पानी को लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने नगर के भीतर धरना प्रदर्शन किया, आज वह सत्ता के शीर्ष पटल पर स्वयं विराजमान है। क्या किसानों की यह जटिल समस्या दूर हो पाती है? पानी और आवारा पशुओं वाली समस्या दूर हो पाती है अथवा नहीं? यह तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। क्या नाम है? दुर्गेश। दुर्गेश, ये नहर की जो समस्या है इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? पानी आता है कि नहीं आता? इसमें कम से कम 20-25-30 साल से हम देख रहे हैं ऐसे नहर सूखी पड़ी है, कभी पानी इसमें कभी नहीं आया है आज तक के। अच्छा, साफ सफाई को लेकर के? साफ सफाई होती है, बस सफाई करके चले जाते हैं, वैसे पड़ा रहता है यहाँ पे। पानी कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तेज बहादुर। अच्छा, कहाँ रहते हैं? बरदहा में। अच्छा, पहली चीज़ ये बताइए कि ये नहर की सफाई क्या होती है? नहर की तो सफाई होती है साल में दो बार। और नहर में पानी? और पानी एको बार नहीं आया। कब से पानी नहीं आया होगा? जब से इंदिरा जी का मरना हुआ और इस नहर का बंद होना। सिंचाई के क्या क्या साधन हैं? सिंचाई के साधन इसके सहारे जो थे वो तो खेती पर ही रहे, लेकिन अब जब निजी ट्यूबवेल हो गए हैं तब से होने लगी, वरना इसके सहारे तो आप पेड़ भी नहीं सींच सकते। क्या लगता है नहर में पानी आने की कुछ उम्मीदें हैं कि नहीं? अरे अधिकारी लोग आते कहे पानी आएगा और चले गए, मामला शांत हो गया। अच्छा, इसको लेके कहीं शिकायत उकायत किया? आए अधिकारी उन्हीं से शिकायत किया, यानी यहाँ से लेकर के लखनऊ वगैरह नहीं गया, यहाँ जो भी अधिकारी है सबसे शिकायत की, लेकिन फिर दोबारा वो दर्शन ही नहीं दिया। ठीक। रजबहा, मौरावा रजबहा की जो माइनर हैं उनकी जांच पड़ताल के लिए यहाँ पर टीम पहुँच गई है। हम जानना चाहेंगे कि 40 वर्ष से जिस नहर में पानी नहीं आया है, सफाई तो हर साल होती है, और इस चीज़ को लेकर के जो हमारे प्रधान उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं माननीय हृदय नारायण दीक्षित, नहर में पानी को लेकर के कितनी बार धरना प्रदर्शन किए, आज वो जब राजनीति के शीर्ष पटल पर मौजूद हैं और उन्हीं की विकास खंड हिलौली है, ऐसे में नहर में पानी ना आना एक बड़ा प्रश्न बन करके सामने खड़ा हुआ है। हमारे साथ वो खंड विकास अधिकारी सपना अवस्थी जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला है और इस नहर की समस्या को लेकर के क्या देखा गया, क्या दिशा निर्देश किया गया। आप खुद आप उनसे जाने जी, क्या समस्या है ये नहर को लेकर के? समस्या तो ये है कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि जो नहर में सिल सफाई हो रही है तो सिल सफाई के बाद पानी वहाँ पे पहुँच रहा है या नहीं। तो मैंने पूरा अभी हिरौली रजबहा का हिरौली माइनर का निरीक्षण किया, जिसके अंतर्गत मैंने पाया कि सफाई तो हुई है, कहीं कहीं पे कुछ कम, कहीं पे अच्छी सफाई हुई है, परंतु पानी नहीं है। पानी तो हिलौली रजबहा में ही नहीं है और यहाँ के ग्रामवासियों ने ये कहा है कि यहाँ पिछले 40 वर्ष से पानी नहीं आया है। तो देखिए, अब हम इस बात को अपने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएंगे और जो भी हो सकेगा हमारे साथ वो आगे कार्रवाई होगी। नहर की
जो समस्या है, यहाँ नहर की पटरी हुआ करती थी और उस पर सफाई तो हर साल होती है, नहर की पटरियों को गायब कर दिया गया है और देखने को ये मिला है कि यहाँ पर अतिक्रमण आवश्यकता से अधिक है। किसी ने मकान बना रखा है, किसी ने जो है नहर को काट करके जो है खेती में सम्मिलित कर लिया, इसको लेकर के कहाँ लिखा पड़ी करेंगे, कहाँ क्या जिसका भी जहाँ भी नहर पर अतिक्रमण हुआ है या कुछ ऐसी समस्या है, अभी तो मेरे संज्ञान में ये किसी ने नहीं बताया कि कहाँ पर अतिक्रमण है। आप इस बारे में मुझे संज्ञान में ला रहे हैं तो जैसे ही मेरे सामने समस्या आएगी जनता के द्वारा या आसपास जो भी बताएंगे तो मैं इसको उचित पटल पर और उचित अधिकारी के द्वारा ही इसका निस्तारण करने का प्रयास करूँगी। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि अधिकारियों ने जो है स्वयं संज्ञान लिया है, इस मामले को जो है हल करने का प्रयास किया गया है। अब ये देखने वाली बात है कि ये जो विकराल दानव है, जो किसानों की समस्याएं हैं, एक तरफ आवारा पशु और दूसरी तरफ नहर में पानी ना आना, ऐसे में किसान करे तो। आप देख रहे हैं समाचार ए टू ज़ेड।